हेलो सर, नमस्कार। केपीटी जगत में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बाल विकास सीटीपी शिक्षा शास्त्र का 30 क्वेश्चन सेशन लगाएंगे, जो कि सीटेट प्रोजेक्ट दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करें, जैसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर रहे हैं, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो आज के हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। विकास की प्रक्रिया चलती है, ए है प्रौढ़वस्था तक, बी है किशोरावस्था तक, सी है जीवन पर्यंत, डी है अनिश्चित काल तक। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विकास की प्रक्रिया है जो कब तक चलती है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यह जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जन्म से स्टार्ट हो जाती है और वृद्धावस्था चलती रहती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है? ए है 5 वर्ष, बी है 9 वर्ष, सी है 12 वर्ष, डी है 17 वर्ष। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बालक में किस आयु में सामान्य वाक्यों में त्रुटि सुधार करने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो जैसे कि हम बात करते हैं बालकों में, जो कि वाक्यों में त्रुटि सुधार की विकसित जो हो जाती है, प्रवृत्ति विकसित होती है, वो है कि 12 वर्ष में हो जाती है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। पियाजे के अनुसार बुद्धि एक ए प्रक्रिया है, बी है एक उत्पाद है, सी है प्रक्रिया तथा उत्पाद दोनों है, डी है क्षमता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पियाजे के अनुसार बुद्धि क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके बात करते हैं पियाजे के अनुसार बुद्धि एक प्रक्रिया है, तो आंसर का करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा ए। वीडियो को लाइक करते रहें। क्वेश्चन देखेंगे। थर्स्टन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी योग्यता प्राथमिक मानसिक योग्यता नहीं है? क्वेश्चन नहीं है पूछा गया। ऑप्शन देखेंगे। ए है संख्यात्मक योग्यता, बी है शाब्दिक प्रवाह, सी है प्रत्यक्षात्मक गति, डी है वचन तत्परता। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि थर्स्टन द्वारा प्रस्तुत बुद्धि सिद्धांत प्राथमिक मानसिक योग्यता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक योग्यता या योग्यता प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत नहीं है या योग्यता नहीं है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इसकी बात करते हैं तो थर्स्टन द्वारा जो कि बुद्धि सिद्धांत दिया गया था, उसमें प्राथमिक मानसिक योग्यता के अनुसार जो कि है, पहले उनकी बात करेंगे पॉजिटिव में, बाकी नहीं है उसकी बाद में बात करेंगे। जैसे कि संख्यात्मक योग्यता के बारे में बताया गया था और शाब्दिक प्रवाह के बारे में बताया गया था और प्रत्यक्षात्मक गति के बारे में बताया गया था, तो वचन तत्परता के बारे में नहीं दिया गया है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी, वचन तत्परता। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। क्वेश्चन देखेंगे। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाएं होती हैं, यह 4 निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? ए है कॉलवर्ग, बी है पियाजे, सी है इरिक्सन, डी है स्किनर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट जो अवस्थाएं होती हैं, यह विचार निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा या किससे संबंधित है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके बात करते हैं जो कि बौद्धिक विकास की जो अवस्थाएं दी गई हैं या बौद्धिक विकास की जो 4 अवस्थाएं दी गई हैं, वो पियाजे जी के द्वारा दी गई हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। स्प्रेमैन के अनुसार बुद्धि में नियत है ए एक सामान्य कारक तथा एक विशिष्ट कारक, बी है एक सामान्य कारक तथा अनेक विशिष्ट कारक, सी है एक विशिष्ट कारक तथा अनेक सामान्य कारक, डी है असीमित सामान्य एवं विशिष्ट कारक। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि में क्या नियत होता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके बात करते हैं स्पेयरमैन के अनुसार बुद्धि में एक सामान्य कारक और या तथा अनेक विशिष्ट कारक निहित होते हैं, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे। किसने कहा है सामाजिकरण की प्रक्रिया दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है?
ए है मॉरिशन, बी है सोरेनसन, डी है सोरे व टेलफोर्ड, सी है माफ कीजिए डी है हैरिमन। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि किसने कहा है कि समाजीकरण की प्रक्रिया है दूसरे व्यक्तियों के साथ शिशु के प्रथम संपर्क से ही प्रारंभ हो जाती है और यह आजीवन चलती रहती है। यह कथन किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं, यह कथन दिया गया है सोरे व टेलफोर्ड के द्वारा, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस शास्त्री शिक्षा शास्त्री का यह मत है कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक की समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है। ए है रायवर्न, बी है क्रो एवं क्रो, सी है क्लार्क, डी है एन एल गेज। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शिक्षा शास्त्री ने या किस शिक्षा के यह मत है कि शिक्षण एक ऐसा संबंध है जो बालक कि समस्त शक्तियों को विकसित करने में सहायता करता है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यह कथन दिया गया है जो कि रायवर्न की द्वारा, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंधित नहीं है। ए है आकांक्षा स्तर, बी है रुचि, सी है अभिप्रेरणा, डी है बुद्धि। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मनोवैज्ञानिक गुण शिक्षण से संबंध नहीं है। क्वेश्चन नेगेटिव में पूछा गया है और सी टेट में इस प्रकार के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो पहले क्वेश्चन को भी केयरफुली पढ़ेंगे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जा रहा है और उसी के अकॉर्डिंग आंसर यहाँ पे देंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन में तीन पॉजिटिव में होंगे और एक नेगेटिव होगा, वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। जैसे कि बात करते हैं मनोवैज्ञानिक का जो गुण दिया गया है पहले उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि शिक्षण से संबंधित गुण है जो कि हमारे हैं कि आकांक्षा स्तर, बच्चे का आकांक्षा स्तर जानने की इच्छा कितनी है, और रुचि और बुद्धि, ये संबंधित शिक्षण के गुण होते हैं जो कि नहीं है हमारे यहाँ पे, माफ कीजिए यहाँ पे अभिप्रेरणा, सी सी भी होगा अभिप्रेरणा भी यहाँ पे होता है कि अगर व्यक्ति अंतर से अभिप्रेरित है प्रेरित है तो सीखने में अच्छी तरह से सीख पाएगा, और बुद्धि बुद्धि ऐसा नहीं है कि बच्चा अगर तेज सर्राट है और सीखने के लिए इच्छुक नहीं है या प्रतिभाशाली सीखने के लिए इच्छुक नहीं है या रुचि नहीं है उसे किसी कार्य को करने में तो वो सिखा नहीं सकते। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा डी बुद्धि हो जाएगा जो कि शिक्षण से संबंधित कारक नहीं है। अगला ऑप्शन देखेंगे, यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से किस पर इसका दायित्व डालेंगे। ए है विद्यालय की प्रबंधन समिति का कमजोर व्यवस्थापन, बी है विद्यालय में पठन पाठन की समुचित व्यवस्था का न होना, सी है प्रधानाचार्य का विद्यालय की शिक्षण गतिविधियों में रुचि न लेना, डी है आपकी स्वयं की शिक्षण विधि। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि यदि किसी परीक्षा में आपकी कक्षा के अधिकांश विद्यार्थी असफल हो जाते हैं तो आप निम्नलिखित में से किसका दायित्व या किस पर दायित्व डालेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके बात करते हैं, अगर इस प्रकार की क्रिया होती है तो यहाँ पर हमारा जो कि हो जाएगा कि आपकी स्वयं की शिक्षण विधियां है, क्योंकि जो आपने पढ़ाया गया है आप टीचर के अकॉर्डिंग तो वो सारी चीजें क्या है बच्चों की समझ में नहीं आई है इसलिए वो असफल हो गए हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पीयरमैन के अनुसार विशिष्ट कारक एस है, ए है परिशोधन विहीन, बी है परिशोधनीय, सी है ए तथा बी दोनों ही, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा जा रहा है, क्वेश्चन पूछा गया है कि स्पीयरमैन के अनुसार विशिष्ट कारक एस है, कौन सा ऐसा यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करती है स्पीयरमैन के अनुसार परिशोधनीय एस विशिष्ट कारक माना गया है, तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एक शिक्षक अपनी कक्षा के सृजनशील बालकों की सृजनात्मकता क्षमता का विकास करना चाहता है, इसके लिए उसको निम्नलिखित में से क्या नहीं अपनाना चाहिए। ए गैर शैक्षणिक गतिविधियों में आनंद लेना सिखाना, बी है तनाव को नियंत्रित करना सिखाना, सी है सृजनात्मक बालकों की पृथक कक्षा व्यवस्था करना, डी है चुनौतियों भरे कार्यों को करने हेतु उत्साहित करना।
तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि एक शिक्षक अपनी कक्षा के सृजनशील बालकों को सृजनात्मक क्षमता का विकास करना चाहता है, तो उसके लिए उसे निम्नलिखित में से कौन सी या क्या नहीं अपनाना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा गया है। या कौन सी गतिविधि अपनानी नहीं चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। इस प्रकार से क्वेश्चन समझ सकते हैं। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे कि तनाव को नियंत्रित करना नहीं सिखाना चाहिए, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा, माफ कीजिए थोड़ा देखने दिक्कत देख नहीं पाए सही से, इसमें दिया गया है सृजनात्मक बालक की पृथक कक्षा व्यवस्था करना, यह आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, अगर हमें किसी टीचर को सृजनशील बालकों की सृजनात्मक क्षमता का विकास करना चाहिए तो वह कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्हें अलग अलग नहीं कक्षाओं में बिठाना चाहिए, अलग अलग नहीं करना चाहिए। तो यही हमारा आंसर करेक्ट हो जाएगा सी। थोड़ा देखने में दिक्कत हो गई थी, कोई नहीं एडजस्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन देखेंगे पहले ऑप्शन देखेंगे बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के संदर्भ में सत्य है? ए है व्यक्तित्व व्यक्ति के शील गुणों का संग्रह मात्र है। बी है व्यक्तित्व की अपूर्वता उसके विशिष्ट गुणों में निहित होती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तित्व व्यक्ति का शारीरिक स्वरूप है। सी के अकॉर्डिंग डी है व्यक्तित्व वंशानुक्रम और वातावरण का प्रतिफल होता है। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन व्यक्तित्व के संदर्भ में सत्य है? तो कथन पूछा गया है, सत्य संदर्भ पूछा जा रहा है। तो जैसे बात करेंगे व्यक्तित्व के बारे में, तो व्यक्तित्व वाला जैसे कि बात करते हैं कि व्यक्तित्व जो कि व्यक्ति के व्यक्तित्व व्यक्ति के वंशानुक्रम तथा वातावरण का प्रतिफल होता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पर हमारा डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्व नियमन संकेत है। ए उनके नैतिक पूर्ण व्यवहार का। बी सीखी गई पाठ्य विषय वस्तु पर स्वयं का नियंत्रण होना। सी है उनके स्वयं अनुशासन तथा नियंत्रण का। डी है अपने सहपाठियों के साथ नियंत्रित व्यवहार का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किसी विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों का स्वनियमन किसकी ओर संकेत करता है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। तो जैसे बात करते हैं उसके या उनके स्वयं अनुशासन तथा नियंत्रण का स्वनियमन का संकेत करता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा सी। अगला ऑप्शन देखेंगे, एक विद्यार्थी का किसी सरकारी संस्था द्वारा नौकरी हेतु चयन नहीं किया गया, उसकी प्रतिक्रिया स्वरूप वह यह कहता है कि रिश्वत का जमाना है, हम जैसे लोग कहां चयनित हो पाएंगे। उसकी यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मरोरचना का द्योतक है? ए है युक्तिकरण, बी है आत्मीकरण, सी है पलायन, डी है दमन। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया है। क्वेश्चन पूछा गया कि एक विद्यार्थी है और उसकी सरकारी संस्था द्वारा नौकरी में चयन नहीं हो पाता है किसी कारणवश, तो उसकी जो प्रतिक्रिया या प्रतिक्रिया स्वरूप वह कहता है कि रिश्वत का जमाना है, जो जैसे कि लोगों का चयन हो जाता है, और उसकी प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस मनोरचना का द्योतक मानी गई है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, या इस प्रकार की बात वो किस कारण कर रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं ये उसका युक्तिकरण है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित न होकर समाज प्रभावित होता है, यह कथन है। ए सत्य है, बी है असत्य है, सी है अनिश्चित है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित न होकर समाज प्रभावित होता है, यह कथन किसने दिया है या किस प्रकार का कथन है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। जैसे बात करती है अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित न होकर समाज प्रभावित होता है, यह कथन है जो कि असत्य है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहां पे हमारा बी। जैसे कि इसमें बोला जा रहा है कि अधिगम में व्यक्ति स्वयं प्रभावित न होकर समाज प्रभावित होता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि अधिगम में जब व्यक्ति सीखता है तो उससे स्वयं भी प्रभावित होता है, तभी समाज प्रभावित होगा, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी असत्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होते हैं, यह कथन है। ए अनिश्चित,
बी है सत्य, डी है असत्य, माफ कीजिए सी है असत्य, डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम होते हैं, यह कथन किस प्रकार का है, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। जिसके बात करते हैं यह क्वेश्चन असत्य है, क्योंकि सभी अधिगम शिक्षण का ही परिणाम नहीं होते हैं। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अधिगम में वांछनीय एवं अवांछनीय दोनों ही प्रकार के व्यवहार परिवर्तन का बोध होता है, कथन है ए सत्य है, बी है असत्य है, सी है कुछ नहीं कह सकते, डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन पूछा है कि अधिगम में वांछनीय एवं अवांछनीय दोनों ही प्रकार के व्यवहार परिवर्तन का बोध होता है, यह कथन किस प्रकार का है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। जिसकी बात करते हैं यह कथन है सत्य है, क्योंकि अधिगम में क्या होता है कि वांछनीय और अवांछनीय दोनों ही प्रकार के व्यक्ति के अंदर व्यवहार परिवर्तन में बोध होता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारे यहाँ पे ए। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे, वीडियो को लाइक करते हैं, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेगी। क्वेश्चन देखते हैं, एक बच्चे को एक वस्तु दिखाकर गुड़िया कहा जाता है, अगली बार बच्चा उस वस्तु को देखते ही गुड़िया कहता है, यह निम्न में से किसका उदाहरण है, ए श्रृंखला अधिगम का, बी है संकेत अधिगम का, सी है शाब्दिक सहचार अधिगम का, डी है भेद अधिगम का। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक बच्चे को एक वस्तु दिखाकर गुड़िया कहा जाता है, अगली बार बच्चा उस वस्तु को देखते ही गुड़िया कहता है, यह निर्माण से किसका उदाहरण है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। जिसकि यहाँ पर अगर किसी बच्चे को पहले कोई चीज वस्तु दिखाई जाती है और बच्चा उसी वस्तु को देखकर उसी नाम से पुकारता है, तो ये हमारा गुण कहलाता है कि शाब्दिक सहचार अधिगम का। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन धुंधले दिखाई दे रहे हैं, कोई नहीं एडजस्ट करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। क्वेश्चन देखते हैं, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं का निराकरण करने हेतु सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया है, ए कक्षा में सरल एवं रोचक पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना, बी ए विद्यार्थियों की क्षमताओं तथा योग्यता अनुरूप विधिवत शिक्षण विधियों का प्रयोग करना, सी ए कहानी विधि का प्रयोग करना, डी ए आकर्षक एवं चमकदार पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग करना। तो क्वेश्चन पूछा गया कि प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों की कहानी संबंधित समस्याओं का निराकरण करने हेतु सर्वाधिक श्रेष्ठ प्रक्रिया क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। जिसके बात करते हैं यहाँ पे कि विद्यार्थियों की क्षमताओं तथा योग्यता अनुरूप शिक्षण या शिक्षण विधि का प्रयोग करना ही प्राथमिक स्तर पर सीखने संबंधित समस्या का निराकरण होगा। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जाता है, ए शारीरिक अर्थ में, बी ए सामाजिक अर्थ में, सी ए संवेगात्मक अर्थ में, डी ए बौद्धिक अर्थ में। तो क्वेश्चन पूछा गया कि अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किस में किया जाता है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। जैसे कि बात करते हैं अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग शारीरिक रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा कक्ष प्रक्रिया के प्रमुख कार्य है, ए निदानात्मक कार्य, बी ए उपचारात्मक एवं मूल्यांकन कार्य, सी ए एवं बी दोनों, डी ए शिक्षण कार्य। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कक्षा कक्ष प्रक्रिया के प्रमुख कार्य क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। उसके बात करते हैं निदानात्मक कार्य और उपचारात्मक कार्य एवं मूल्यांकन कार्य दोनों ही होते हैं प्रमुख या कक्षा कक्ष प्रक्रिया के कार्य, तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा ए व बी दोनों। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समीक्षात्मक चिंतन का आशय है, ए चिंतन से, बी ए तर्क से, सी ए गुण दोष विवेचन से, डी ए तथा बी दोनों से। तो क्वेश्चन में समीक्षात्मक चिंतन आशय पूछा गया है, इससे क्या है, यह क्वेश्चन में पूछा रहा है। उसकी बात करते हैं समीक्षात्मक चिंतन जो कि गुण दोष विवेचन से होता है, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान है, ए है परिस्थिति निर्माण, बी है योजना का चयन, सी है योजना का नियोजन, डी है योजना का परिचय। तो क्वेश्चन बोला जा रहा कि प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान क्या है, यह क्वेश्चन पूछा रहा है। तो जैसे बात करते हैं प्रोजेक्ट विधि का प्रथम सोपान है परिस्थिति निर्माण, तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, छात्रों को पढ़ाना चाहिए ए अनिवार्यत है, बी ए व्यक्तिगत विभिन्नता अनुसार, सी ए केवल निर्धारित कालांशों में, डी ए अध्यापक की इच्छा अनुसार। तो क्वेश्चन पूछा रहा है कि छात्रों को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो इसके बात करते हैं, छात्रों को व्यक्तिगत विभिन्नता अनुसार पढ़ाना चाहिए, क्योंकि उनकी रुचि के अनुसार बच्चों को पढ़ाना चाहिए और क्लास में लोकतांत्रिक माहौल होना चाहिए। तो आंसर एक्ट होगा यहां पे हमारा बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कक्षा वार्ता में कक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने हेतु शिक्षक को करना चाहिए ए सही उत्तर देने वाले विद्यार्थियों को पीठ थपथपाना, बी श्यामपट्ट पर विद्यार्थियों के उत्तर लिखना, सी छात्रों के उत्तरों को स्वयं दोहराना, डी उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कक्षा वार्ता में कक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए या करने हेतु शिक्षक को क्या करना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे कि छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए या कक्षार्थियों को प्रोत्साहित करने के लिए एक टीचर को सही उत्तर देने के लिए विद्यार्थियों को या विद्यार्थियों की पीठ थपथपानी चाहिए और श्यामपट पर विद्यार्थी को उत्तर लिखवाने चाहिए तथा छात्रों के उत्तरों को स्वयं दोहराना चाहिए। तो इस प्रकार की क्रियाएं क्लास में होनी चाहिए। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा उपरोक्त सभी, तो डी आंसर हो जाएगा। अगला ऑप्शन देखेंगे, अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, ए विषय वस्तु, बी ए विद्यार्थियों की आयु, सी ए व्यक्तिगत भिन्नता, डी ए विद्यार्थियों की पारिवारिक पृष्ठभूमि। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अध्यापन के समय अध्यापक को निम्नलिखित में से किसका सर्वाधिक ध्यान रखना चाहिए, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे अध्यापन या अध्यापन के समय अध्यापक को जो कि सबसे ज्यादा जो ध्यान रखना चाहिए व्यक्तिगत भिन्नता को, क्योंकि क्लास में जब या कक्षा में जो स्टूडेंट या छात्र होते हैं उनकी सबकी रुचि अलग अलग होती है और रुचियों को ध्यान रखती है और उनके अकॉर्डिंग शिक्षण विधियों को अपनाते हुए हमें व्यक्तिगत भिन्नता ध्यान रखते हुए अध्ययन कराना चाहिए। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा सी। अगला ऑप्शन देखेंगे, संवेग क्या है, ए प्यार व स्नेह, बी ए क्रोध व भय, सी देखेंगे, सी ए उत्तेजना या भावों में परिवर्तन, डी ए उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन में संवेग पूछा जा रहा है, जब संवेग की बात करते हैं तो उनमें उत्तेजना भावों में परिवर्तन होना कहलाता है। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा हमारा सी। संवेग हमारे कैसे होते हैं, उत्तेजना होगी और उसमें भाव प्रकट किया जाते हैं, जैसे क्रोध करना, हंसना, इस प्रकार की क्रिया करना कहलाता है। तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चे में सभी सकारात्मक गुण हैं क्योंकि एक गुण सकारात्मक है कहलाता है, ए परवेश का प्रभाव, बी ए हार्मोन का प्रभाव, सी ए प्रभाव का नियम, डी ए प्रतिलोम प्रवेश का प्रभाव। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा माता पिता यह अनुमान लगाते हैं कि उनके बच्चों में सभी सकारात्मक गुण है क्योंकि वह गुण सकारात्मक कहलाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। जैसे कि बात करते हैं सकारात्मक गुण की, तो वो परिवेश का प्रभाव होता है तो वह सकारात्मक गुण कहलाते हैं। तो आंसर करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे हमारा ए। अगला ऑप्शन देखेंगे, यदि कक्षा में पढ़ाते समय आपको महसूस होता है कि अचानक सभी बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ए कोई ध्यान नहीं देंगे और पढ़ाना जारी रखेंगे, बी ए पढ़ाना बंद कर देंगे, सी ए बच्चों को ध्यान देने को कहेंगे, डी ए कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन काफी अच्छा पूछा गया, क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि यदि आपकी कक्षा में पढ़ाते समय आपको यह महसूस होता है कि जो आप पढ़ा रहे हैं बच्चे अचानक उसमें पढ़ने में रुचि नहीं ले रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, तो आप ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, यह क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। तो क्या करेंगे ऐसी स्थिति में, आप कारण जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चे पढ़ने में रुचि क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो हम जो या टीचर के अकॉर्डिंग जो चीज पढ़ाई जा रही है वो रुचिपूर्ण है या नहीं है, तो कारण जानने की कोशिश करेंगे। तो आंसर करेक्ट होगा यहाँ पे हमारा डी। दोस्तों सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है, वीडियो को शेयर करें, जैसे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन माध्यम से आपको वीडियो मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।